साथियों नमस्कार। योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, पंच प्राण मुद्रा की इस श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समान प्राण। समान मात्रा में संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा का, पोषक द्रव्यों का समान मात्रा में जो पूर्ति करे वही समान है। समान सभी दृष्टिकोण से समान ही है, वो हमारे विचारों में भी, हमारे भाव में भी, हमारे अंतःकरण में, या यूं कह सकते हैं शरीर मन और अंतःकरण, ये तीनों में ही समान मात्रा में संतुलन स्थापित कर सकने में सामर्थ्य है समान प्राण। समान प्राण जो कि संस्कृत शब्द से उद्भूत है, तो समान का अर्थ ही समान मात्रा में प्रत्येक वस्तु को पहुंचाना है। जो पोषक द्रव्य है, पोषक पदार्थ है, उसे समान मात्रा में शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाना। क्योंकि यहाँ पे पांचों प्राण है, पांचों प्राणों का जो नामकरण है उनके कार्यों के अकॉर्डिंग ही किया गया है। जैसे प्राण का महत्वपूर्ण कार्य जीवन को, प्राण जीवन के प्राण को धारण करना, प्राणी को जीवित रखना। अपान का कार्य है बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर, मन को बाहर निकालना। उदान करता है, उद मतलब उठाना, शरीर को उठाकर रखना है। ज्ञान संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और संपूर्ण शरीर में पोषक द्रव्यों को प्रत्येक शेष तक पहुंचाने का कार्य है। किंतु जो ये हम जो चर्चा करने वाले समान प्राण, तो ये पोषक पदार्थों को, पोषक द्रव्यों को समान मात्रा में संपूर्ण शरीर में पहुंचाना है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है मित्रों, तो समान मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बारे में हमारे संस्कृत साहित्य में इसको परिभाषित किया गया है, रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समानः। जो रसों को ठीक तरह से यथा स्थान ले जाता है और वितरित करता है वह समान प्राण है। पाचक रसों का उत्पादन और उसके स्तर को बनाए रखना इसी प्राण का कार्य है। इसका मतलब जो हमारे शरीर की जो पाचक रस होता है उसको समान मात्रा में बनाए रखना और पाचक रसों का उत्पादन करना, ये हमारे इसी समान प्राण के द्वारा ही संभव होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, समान जयात प्रज्वलम, अर्थात समान द्वारा, समान प्राण के द्वारा शरीर की ऊर्जा और सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। देखिए, शरीर की ऊर्जा और सक्रियता, जब शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो सक्रियता बनी रही बनाई रखी जा सकती है। तो ऊर्जा का मूल स्रोत पाचन के द्वारा, क्योंकि जो अन्न ग्रहण करते हैं अन्न से जो रस बनती है और रस के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से हम शरीर में सक्रियता और क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। तो साथियों, महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये समान प्राण, और समान प्राण की सारी कार्य विधि को जानना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसी में देखते हैं अगले कड़ी में कि समान मुद्रा का स्थान है कहां। हृदय प्राणो गुदे अपाना समानो नाभि मंडले उदाना कंठ देशस्यो व्याना सर्व शरीरगा। तो ये पांच प्राण का शरीर में अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार से इसका स्थान जो दिया गया है, पर्टिकुलर इनके कार्यशीलता, इनके क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग इसके नाम का नामकरण किया गया है। शरीर में अलग अलग स्थान पे अलग अलग कार्य, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था, अपान का मतलब बाहर निकालना, शरीर के मल द्रव्यों का निष्कासन। तो यहाँ पे समान जो नाभि प्रदेश अर्थात डायफ्राम से लेकर के नाभि तक का स्थान समान प्राण का है, जिसमें आमाशय, ग्रहणी अर्थात डिडियोनम और छोटी आंत, ये तीन महत्वपूर्ण जो अंग हमारे पास है। इसके साथ साथ साथियों, एक महत्वपूर्ण जिसमें पाचक, जो पाचक जो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे कह सकते हैं, पाचक द्रव्य, पाचक रस जहां से स्रावित होता है, जिसे हम पेंक्रियास कहते हैं, अग्नाशय, पेंक्रियाटिक जूस जहां से स्रावित होती है, जो कि हमारे पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये पेंक्रियाटिक जूस पाचक रस के रूप में हमें प्राप्त होती है और ये समान प्राण के द्वारा ही संतुलित होता है।
इसलिए इस जो महत्वपूर्ण जो महामारी आप डायबिटीज के रूप में जानते हैं, जिसे मधुवर्षिनी, जिसे मधुमेह, बहुत सारे अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, इससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमें इस समान मुद्रा के बारे में विशेष जानकारी अर्जित जरूर करनी चाहिए। इसके कार्य क्या क्या है? अन्न ग्रहण कर जठराग्नि को बल प्रदान करना, अर्थात अन्न को ग्रहण करना, अंदर ले जाना और ले जाकर के उसे क्या करना, उसमें जठराग्नि अर्थात बल पैदा कर देना, शक्ति और सामर्थ्य उसके रस को लेकर के उसे क्या करना, उससे ऊर्जा उत्पन्न करना। रस और मल को जो अलग अलग करने का जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये समान प्राण के द्वारा ही संभव होता है। अर्थात सिंपल, बहुत सामान्य है, जो भोजन ग्रहण करते हैं वो सीधा स्टमक में, और स्टमक के बाद ड्यूडेनम से होते छोटी आंत में, और छोटी आंत में क्या करते हैं, उसे संपूर्ण जो खाया हुआ जो अन्न है उसमें सारे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर सारे मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग रूपों में उसको डिवाइड करके उसे अब्जॉर्व कर लिया जाता है, और अब्जॉर्व करने के बाद उस ब्लड में मिला दिया जाता है, और जो बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ उसे क्या करता है, बड़ी आंत में उसे धकेल दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य साथियों हमारी इसी छोटी आंत में ही संपन्न होती है, और यहाँ पे जो कार्य कराने वाली जो महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत है वो समान प्राण है। इसलिए समान प्राण मुद्रा का यदि प्रयोग किया जाए तो ये कार्य सहज क्रम में संभव हो सकता है। पाचक रस का श्रावण, डाइजेस्टिव सिक्रेशन, जो मैंने अभी जैसे बताया था आपको, तो हमारे जो लीवर से जो निकलने वाली जो बाइल डक्ट और पेंक्रिया से पेंक्रियाटिक जूस और बहुत अलग अलग पाचक रस अंदर से स्रावित होती है, जो कि हमारे पाचन के लिए आवश्यक है, ये यही समान मुद्रा के द्वारा ही प्राप्त होती है। श्वेत पसीना, मित्रों कई ऐसे हमारे साथी आते हैं कि साहब पसीना बहुत ज़्यादा आता है तेरे में, या कुछ लोग ऐसा है कि पसीना निकलता ही नहीं है, ये दोनों ही प्रकार के जो प्रॉब्लम जब आ जाए तो समान मुद्रा का मैं प्रयोग करूँ। वात आदि दोषों में, वात रोग जब हो जाए, जोड़ों संबंधी, ज्वाइंट संबंधी रोग जब होने लग जाए, या जल का वहन, जल का एब्जॉर्वेशन हो, या जल की कमी होने लग जाए, या जल की ज़्यादा शरीर में अधिकता हो जाए, तो दोनों ही कार्यों के लिए हमें यहाँ पे उसके संतुलन इस समान प्राण के द्वारा हम लोग स्थापित कर सकते हैं। तो इन सभी दृष्टिकोण से समान प्राण का कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखना हमें ये है कि इसके असंतुलन से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होता है। सबसे नंबर वन होता है पाचन की अनियमितता। पाचन की अनियमितता का मतलब है पाचन जो है सही तरह से प्रॉपरली जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, अपच, जिसकी वजह से इनडाइजेशन कहते हैं, भोजन शरीर में पचता नहीं है। अब जब शरीर में पचता नहीं है तो निश्चित तौर से वो शरीर उसे बाहर निकाल देगा, जब बार बार बाहर निकालने के प्रोसेस होगा उसी को लोग दस्त कहते हैं, अतिसार कहते हैं। यथात अधपचा भोजन जब शरीर से बाहर निकलने लग जाए, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, तो हमारे क्या है वो दस्त, और कभी कभी तो ऐसा होता है वो कब्ज के रूप में शरीर में बना रहता है। सभी जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर नहीं निकल पाते, इसका मतलब कभी दस्त और कभी कब्ज, तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम हमें ऐसा लगता है कि ये IBS का सिम्टम बन जाता है। मानसिक असंतुलन होती है, व्यक्ति के अंदर तनाव चिंता बढ़ जाती है, तो ये सिम्टम कहीं यहाँ पे आकर मैच करता है। तो IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं हम लोग, तो इससे भी इसी मुक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। गैस या पेट फूल रहा है, बहुत ज़्यादा पेट का फूलना है, या गैस बन रही, अधोवायु ज़्यादा निकल रहा है, तो भी इसे समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं समान प्राण में असंतुलन है। कमजोर पोषण, प्रॉपरली पोषक द्रव्य को अवशोषित यदि नहीं कर पा रहा है छोटी आंत के द्वारा, तो भी हमें समझ सकते हैं कि हमारे समान प्राण में असंतुलन है। ऊर्जा की कमी और पानी की कमी, दोनों ही कार्य, ये महत्वपूर्ण कार्य से समान प्राण का है। तो समान प्राण के असंतुलन को हमको जानना, क्योंकि इसको जानने के बाद ही हम अपने इसमें चिकित्सकीय पक्ष को उजागर कर सकते हैं, और समान प्राण का प्रयोग हम लोग इसे करके इसका लाभ उठा सकते हैं। समान प्राण की विधि, इसकी विधि को जानना हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। हमने इसे पूर्व के पंच तत्वों की जो वीडियो आपको दिया था उसमें हमने बताया था कि ये पांच तत्वों की हमारे क्या है,
हाथों में ये फिंगर है। सबसे पहला नंबर फिंगर को हमने अग्नि तत्व के रूप में चर्चा किया था। पहला फर्स्ट नंबर फिंगर जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से, ये जो है वायु तत्व का है, चंचलता इसके गुण में है। और मध्यमा जो सबसे ऊंची है वो आकाश है, और उसके बगल वाले जिसे हम लोग अनामिका कहते हैं, अनामिका जो पृथ्वी तत्व का है, सबसे छोटी वाली उंगली साथियों, ये हमारे हैं वरुण, जिसे जल तत्व की प्रतीक रूप मानते हैं। अब इसकी विधि बहुत सिंपल है, ये पांचों उंगलियों को एक साथ मिला दिया जाए। अब एक साथ मिलाने का मतलब ये है कि पांचों तत्वों का संतुलन इस मुद्रा के द्वारा संभव होता है। इन पांचों उंगलियों को ऐसे मिलाकर रखना ये तो समान प्राण की मुद्रा है। तो समान प्राण की मुद्रा में ऐसे पांचों उंगलियों को मिलाकर रखें और समान मुद्रा को बनाए रखें। समय अवधि मैंने पहले ही चर्चा किया था, 45 मिनट कम से कम। और जिनको यदि प्रॉब्लम है, डायबिटीज की रोगी है, वो पाचन सही तरह से प्रॉपरली होता नहीं है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो साथियों आप 1 घंटे 2 घंटे अगर आपके पास समय है तो कीजिए, अगर नहीं है तो एक हाथ से यदि कार्य कर रहे हैं तो दूसरे हाथ में लगा कर रखिए। चलते फिरते उठते बैठते खाली है तो कोई आवश्यक नहीं कि हाथ को रख करके ऐसे ऊपर ही उठा कर रखेंगे, आप गोदी में रख लीजिए इसको, आप नीचे रख लीजिए और सामान्य क्रम में अपना कार्य करते रहिए, ये कार्य जरूर करेगा। आप लोग को याद होगी कि आप जब हम सब भोजन करते हैं तो भी अपने अन्न को हम इसी पांचों उंगलियों के माध्यम से मिलाते हैं। क्यों? ताकि पांचों तत्वों का जो स्वरूप, पांचों तत्वों की जो ऊर्जा जो है इसमें मिल सके। और जब खाते भी ग्रहण करते हैं तो भी पांचों उंगलियों के माध्यम से, अंगूठे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन आजकल तो लोग चम्मच से खाते हैं, जो चम्मच से खाते हैं तो चम्मच का गुण चमचा है, तो चमचेगिरी व्यक्ति के जीवन में आता है। तो हम लोग को चाहिए साथियों कि हम लोग क्या करें, समान मात्रा में वसुधैव कुटुंबकम का भाव, समानता का भाव इस समान मुद्रा के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो ये भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण जो मूल सूत्रों को उद्भूत करते हैं ये हमारा है समान मुद्रा, समानता का भाव। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, ऐसे उपनिषद के दिव्य मंत्रों का उद्घोष इसी मुद्रा के द्वारा होती है। अब इसके बेनिफिट लाभ क्या है? जठराग्नि को प्रदीप्त करना, हमारे उदर संस्थान के जो अग्नि है उन अग्नियों को क्या है, ये प्रदीप्त करता है, जिससे पाचन सही तरह से शरीर में होता है। मणिपुर चक्र को जागृत करता है, नाभि चक्र जिसे हम लोग कहते हैं। अब एक चीज और बता दूं साथियों कि नाभि जो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इसी के असंतुलन से शरीर में कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यतिरेक उत्पन्न होती है। जब ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति को समझ नहीं आता, डॉक्टर समझ नहीं पाते, कुछ नहीं होता मित्रों, नाभि अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, असंतुलित हो जाता है, हिल जाता है इधर आगे पीछे ऊपर नीचे, अच्छे अच्छे लोगों की पकड़ में नहीं आती है। इसके बारे में कभी और अलग से वीडियो हम तैयार करेंगे जिसमें विस्तार से उसकी सारी विधि व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि समान मुद्रा का यदि आप प्रयोग करेंगे तो नाभि संतुलित रहेगा। नाभि का बार बार असंतुलन इस मुद्रा के द्वारा संभव है, संतुलित किया जा सकता है। संपूर्ण शरीर का संतुलित मात्रा में पोषण होता है। जब नेवल ही संतुलित होगा, केंद्र ही संतुलित होंगे तो बाकी सब कुछ परिधि को ठीक किया जा सकता है। डायबिटीज के रोगों के लिए तो ये तो रामबाण है। डायबिटीज के साथी सुन लें कि आपको जब भी समय मिले, यदि आप देख रहे हैं सुन पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस मुद्रा का आप प्रयोग दोनों हाथों से करें। मैंने पहले ही चर्चा किया था, यदि आप राइट हैंड से प्रयोग करते हैं तो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड के लिए कार्य करता है, क्योंकि ब्रेन क्रॉस में काम करता है, और जब लेफ्ट हैंड में जब आप प्रयोग करते हैं तो बॉडी के राइट साइड के लिए यूज होता है। तो महत्वपूर्ण तो यह है कि आप दोनों हाथों में प्रयोग करें, और जब प्रयोग करें तो आराम से बैठकर कम से कम एक समय ऐसा हो, कोई ध्यान की अवस्था में बैठकर लंबी गहरी श्वास लेते हुए इस मुद्रा का प्रयोग 10, 15 या फिर आधे घंटे 45 मिनट तक कम से कम तो करें तो सही। बाकी समय भले आप चलते फिरते कर ले, लेकिन कुछ समय ऐसे निकालिए कि इसको आप एक ध्यान के रूप में, एक चिकित्सा के रूप में थोड़ा प्रयोग कीजिए, ज्यादा लाभ मिलेगा। शरीर, मन व विचारों में एकात्मता स्थापित होती है।
आप शरीर मन और विचारों, मैं तो यहां तक कहूंगा शरीर मन और आत्मा, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों में संतुलन स्थापित करने की क्षमता ये समान प्राण में है। समान प्राण की मुद्रा जो है ये तीनों को ही स्थित संतुलित कर देता है, बैलेंस करता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हमारे ये शरीर के केंद्र बिंदु है नाभि चक्र के लिए, और नाभि वैसे भी बीच में होता है, संतुलन के क्षेत्र में है, और सबसे अंतिम जो है वसुधैव कुटुंबकम का भाव विकसित करता है। उपनिषदों का वाणी है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सभी संसार संसार एक परिवार का जो सूत्र हमारे ऋषियों ने दिया है, ये इसी मुद्रा के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये हम लोग इसे पूरा करते हैं। तो साथियों, समान मुद्रा का प्रयोग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस समान मुद्रा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। पर्टिकुलर डायबिटीज के रोगियों के लिए जो आज महामारी बन चुका है, उनके लिए तो यह रामबाण है। पुनः आप इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डायबिटीज वाले हमारे साथी जरूर इस मुद्रा का प्रयोग करें, जिन्हें का पाचन तंत्र सही नहीं है उन पाचन तंत्र को संतुलित करने के लिए भी इस मुद्रा का प्रयोग करें। साथ में जो स्वार्थी प्रवृत्ति है, केवल अपना ही सोचते रहते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचता, तो ये सोच भी पैदा करता है हमारे समान मुद्रा, समान भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव इसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, ताकि यह ज्ञान, योग का अद्भुत ज्ञान जन जन तक और घर घर तक पहुँचे, ऐसे हमारी उम्मीद है। और आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप इसमें सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, प्रणाम।